फ्रेंड्स चलो लगाते हैं हेलमेट में एक जबरदस्त डैशिंग लाइट। I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. इस लाइट को लगाने से आपके नॉर्मल हेलमेट का लुक और स्टाइल यूनिक हो जाएगा। आप में से बहुत लोग हेलमेट के शौकीन होते हैं। By that I mean कि हेलमेट सभी को पहनना चाहिए। But by शौक I mean बहुत लोगों को अट्रैक्टिव हेलमेट्स के शौक होते हैं। मुझे भी है। और हेलमेट में लाइट लगाने से ज्यादा और अट्रैक्टिव क्या है? तो ये है एक EL लाइट यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट लाइट। मतलब जैसे ही इसमें हम करंट पास करवाते हैं ये चमकने लगती है। तो ऐसी एक स्टाइलिश लाइट मैंने Amazon से परचेस की है, ब्लू कलर की है, जिसकी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तों। तो मैं इन सारी चीजों को दोस्तों निकाल लेता हूँ पैकेट के अंदर से। तब तक आप करो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दो, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ आपको इसका एक कंट्रोलर मिलता है जिसे आप पॉकेट में भी रख सकते हो, क्योंकि लंबी वायर आपको इसके साथ मिलती है इसे कनेक्ट करने के लिए। साथ ही एक 3M की टेप भी मिल जाती है। अगर आप इस कंट्रोलर को कहीं स्टिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये कंट्रोलर दोस्तों चलता है 2AA बैटरीज पर। तो अगर आप ड्यूरासेल बैटरीज डालते हो तो इसकी लाइफ जो है वो लॉन्ग रहेगी। इसमें एक बटन आता है क्योंकि इसमें टोटल 3 मोड्स हैं, जिसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। एक वाई केबल आपको मिल जाती है जो दोनों लाइट्स को कंबाइन करती है टू 1 आउटपुट। इसके साथ आपको एक 1 मीटर लॉन्ग केबल मिल जाती है। ये लाइट जो है दोस्तों वो बहुत ही पतली है, जैसा आप देख सकते हो, वेरी थिनेस्ट। थिन होने के साथ साथ दोस्तों ये लाइट वेट भी है। और एक मजे की बात यह है कि आपको इसमें किसी भी फेविक्विक या ग्लू का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आता है सेल्फ एडहेसिव टेप के साथ। इसके पीछे लगी है 3M की सेल्फ एडहेसिव टेप, इसे बस आपको पील करना है और जहाँ चाहे वहाँ लगाना है। वेल, आज के इस वीडियो में हेलमेट पे लगाना है। तो अभी मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। वायरिंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये जो दोनों EL लाइट है वो मैंने ऐसे रख दिए हैं। उसके बाद आपको लेनी है वाई केबल, और वाई केबल के जो दोनों पॉइंट्स है वो इस EL लाइट को लगा देने हैं। उसके बाद इसका एक कॉमन आउटपुट रहेगा, तो उस आउटपुट को आपको लगाना है उस लंबी वाली वायर के साथ जो इसके साथ हमें मिलती है, और उस वायर का भी आउटपुट आपको लगाना है कंट्रोलर के साथ। तो इतना सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, आप में से कोई भी कर सकता है ये कनेक्शन, किसी भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अभी मैं इसके अंदर डालता हूँ AA बैटरीज। रूम में कर देते हैं अंधेरा और देखते हैं कि क्या चमत्कार होता है। वाओ दोस्तों, आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त ये लाइट लग रहा है। तो इसका ये जो है वो फर्स्ट मोड है जिसमें ये है सॉलिड ऑन, मतलब ये फ्लैश नहीं होगी। सेकंड मोड जो है वो है फ्लैशिंग मोड, जिसमें ये स्लोली फ्लैश होता है, बंद चालू बंद चालू। और उसके बाद जो थर्ड मोड है वो है फास्ट फ्लैशिंग मोड, जिसमें फास्टली फ्लैश होता है। तो ये थी इसकी वायरिंग और इसका वर्किंग। अभी हम इसे करते हैं हेलमेट पर इंस्टॉल। मेरे पास है दोस्तों ये वेगा का हेलमेट, जिसमें मैंने दूसरी कंपनी का वाइसर लगा के रखा है। वेल, मुझे ऐसी चीजें करने का बहुत शौक है, तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ इस EL लाइट को। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस EL लाइट को लगाने के कोई भी स्पेसिफिक तरीके नहीं है। आपको जिस डिजाइन में लगाना है, जैसे शेप में लगाना है, वैसे आप लगा सकते हो। वो बस आपकी क्रिएटिविटी है। ऑल यू नीड टू डू इज टू अरेंज द वायर्स प्रॉपरली। अभी इस केस में मैं इसे परमानेंटली तो नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे स्टाइल में आप लगा सकते हो। तो वायर्स को आप ड्रिल करके हेलमेट के अंदर भी डाल सकते हो, या फिर उस कंट्रोलर को आप आपके पॉकेट में रख के जब भी आप बाइक चलाने जाओ तब आप उस हेलमेट से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हो। पॉइंट बस इतना है दोस्तों कि रात में बाइक चलाते समय ये बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। लोग तो आपकी तरफ पक्का देखने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज, ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर जो सर्किट होता है वो डायरेक्टली 1.5 × 2 मतलब 3 वोल्ट सप्लाई नहीं देता है इस EL लाइट को। इसके अंदर जो सर्किट है वो इस 3 वोल्ट को कन्वर्ट करता है AC सिग्नल में, जो करीब 120 वोल्ट का रहता है, और उसके थ्रू ही ये EL लाइट कनेक्ट होती है। इस EL लाइट के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उसमें आपको उस सर्किट के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कैसा वो सर्किट रहता है। इस हेलमेट लाइट के दोस्तों अलग अलग कलर्स भी अवेलेबल है। तो मैंने ब्लू खरीदा, आपको ग्रीन खरीदना है ग्रीन खरीद सकते हो, इसमें रेड येलो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। परचेस लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी है, ये आपको 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। दिस विल नॉट ओनली मेक योर हेलमेट लुक स्टाइलिश बट इट विल ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई अ राइडर इन द नाइट। So this as per the safety is also good and as per style, design, attractiveness is also perfect. तो आपकी क्या थॉट्स है इस EL लाइट के बारे में जो आपके हेलमेट को बना देते हैं अमेजिंग स्टाइलिश एंड कूल, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको इसे परचेस करना है तो डायरेक्टली परचेस कर सकते हो आप नीचे दी हुई लिंक पर, और इसका इंस्टॉलेशन भी आपके हेलमेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वेल, आप कौन सा हेलमेट यूज करते हो बाइक पर मुझे कमेंट करके बताना। तो ऐसे ही कूल वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।